2200 रुपए की कॉस्टिंग आती है, 1400 की फॉग लैंप, 800 की रिले वायरिंग विद ओरिजिनल स्विच के साथ। तीन पार्ट अपने कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा हो रखे हैं जून के अंदर। एक तो फॉग गार्निश जो ग्रिल गार्निश जो कॉम्प्लीमेंट्री है जो गाड़ी में हमने लगा दिया है, अलॉयज लगा दिया 23500 के दरमियान लेके, हैंडल लगा दिया 4500 रुपए के अंदर। लाइफ टाइम गारंटी रहेगी सीट कवर की जब तक गाड़ी, जब तक हमारा ठीक है। बाकी कलर ऑप्शन जैसा आप कुछ है वैसा मिल जाएगा। तो हेडलाइट्स इंस्टॉल कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री भी है। आज में सनग्लास होल्डर लगा दिया भैया की गाड़ी में। इधर ब्लॉफंगा सीरीज 900 जो कि 2 GB रैम 32 GB के साथ आता है। मेरे का रिस्पांस कैसा कुछ आ रहा है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वाइड एंगल विजन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 10 में से नंबर आपको देना हो, कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से 11 दे दो। 11 नंबर मतलब के कंप्लीट सेटिस्फाइड हैं आप? नहीं नहीं भैया, जो वीडियो हम दिखाते हैं उससे भी अच्छा है। उससे भी अच्छा मतलब बेटरमेंट जो है वो आपको मिल जाता है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी तिवारी कार एक्सचेंज सीरीज करोल बाग में, और अगर अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। सबसे पहले मिलते हैं हमेशा की तरह बिट्टू भाई से। बिट्टू भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया। कौन सा वेरिएंट रहने वाला अपना? ब्रेजा रहेगा भैया, बेस मॉडल एलेक्सा रहेगा भैया। हमारे पास आए हैं राजस्थान जयपुर से। ठीक है जी। बाकी लगभग ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले लगाई थी मिंडा की फॉग लैंप, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो प्रॉपर इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। प्रॉपर मिंडा की रिले वायरिंग के साथ जो है वो काम किया गया है, और मिंडा के ही और अपना ओरिजिनल स्विच जो है वो लगाया गया। ओरिजिनल स्विच लगा दिया भैया, मिंडा की फॉग लैंप और वायरिंग की यूज कर दिया गया है। ठीक है जी। 2200 रुपए की कॉस्टिंग आती है, 1400 की फॉग लैंप, 800 की रिले वायरिंग विद ओरिजिनल स्विच के साथ। ठीक है, तीनों चीजें। हाँ जी, तीनों चीज। इसमें आपने एलईडी भी है अलग से लगवाई, इसकी कॉस्ट अलग से आती है भैया। वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस, जैसी चाहिए 1000 रुपए की भी है, 2500 रुपए, 5000 की, जैसे आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। 2200 रुपए का मिंडा का फॉग लैंप विद इंस्टॉलेशन विद ओरिजिनल स्विच, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ओरिजिनल स्विच भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ कैसा कुछ रहने वाला है। तो स्विच की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ओरिजिनल स्विच रहेगा। ठीक है जी। साथ में हेडलाइट भी लगा दिया, 250 वॉट की हाइपरसोनिक की एलईडी जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पार्किंग बल्ब जो है वो भी चेंज हो चुका है, और अभी खैर डे का टाइम है, अराउंड 3 बज रहे हैं, तो सामने आप रिस्पांस जो है वो देख सकते हो, हल्का फुल्का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बट लेकिन लाइट अल्टीमेट है, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, 1.5 साल की ऊपर की वारंटी होगी, 1 साल की नीचे की होती है। ठीक है, अगर आपने इसका रिस्पांस देखा तो ओल्डर वीडियो आप चेक कर सकते हो। तीन पार्ट अपने कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा हो रखे हैं जून के अंदर। एक तो फॉग गार्निश जो ग्रिल गार्निश जो कॉम्प्लीमेंट्री है जो गाड़ी में हमने लगा दिया है, और रियर मिड गार्निश लगा दी है। साथ में स्किन प्लेट लगा दिया मारुति जेन्युइन पार्ट्स के अंदर जो आता है, ये आप चेक करोगे, ये चिपकाने वाला नहीं है, रिप्लेसमेंट रहेगी। एक पीस निकल के दूसरा पीस जो है वो अपना लग जाता है। 1600 रुपए इसकी कॉस्टिंग है भैया, आगे पीछे दोनों के पार्ट की, जेन्युइन मारुति का पार्ट होगा। ठीक है जी। साथ में साइड प्रोफाइल में चलेंगे भैया, अलॉयज लगा दिया भैया मारुति जेन्युइन पार्ट, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओरिजिनल अलॉय व्हील्स लग चुके हैं, अलॉयज लगा दिए 23500 के दरमियान लेके। सील्ड पैक बॉक्स रहेगा मारुति जेन्युइन की, हमारी गारंटी रहेगी, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आकर। साथ में रेंज रोवर लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट भी अपना, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। व्हील आर्च लगा दिया 2350 रुपए की एमआरपी, 61% लेस के साथ। साथ में भी हमने लगा दिया है इसके अंदर रेन वाइजर, 2350 की एमआरपी, जेन्युइन मारुति का पार्ट रहेगा, उसमें 61% लेस रहेगा। विंडो गार्निश लगा दिया 2190 की एमआरपी, 61% लेस। साइड बीडिंग लगा दी 2350 की एमआरपी, 61% लेस। वॉल्यूम चेंज कराने का ऑप्शन तो भैया नहीं करवाया, किसी को करवाने 10500। सील्ड पैक बॉक्स अगर आप इसी में मोटर लगा लेंगे 7500 रुपए, अगर आप पुराने मिरर ले लेंगे 7500 रुपए भैया। मतलब तीन ऑप्शन है, जौन सा आप चाहो वो लगवा सकते हैं। अगर आप इसी में मोटर लगवाते हैं 7500, पुराने मिरर लेते हैं 7500, अगर बिल्कुल सील्ड पैक बॉक्स लेंगे 10500। ठीक है, तीन ऑप्शन है, तीनों में से आप जौन सा चाहो चूज कर सकते हो। रूफ फील्ड लगा दी है प्रॉपर पेस्टिंग वाली, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। प्रॉपर जो है वो अपना फंक्शनल नहीं रहेगी, बट हाँ अच्छी तरीके से शिफ्टी रहेगी। ये फंक्शनल नहीं है भैया, लुक के लिए है, प्रॉपर पेस्टिंग के साथ होती है, अगर किसी ने तरीके से खींचा तो निकल जाएगी। साथ में सफाई वाले को बोल के रखेंगे तो खींच के चढ़ना नहीं है ऊपर। साथ में बैक साइड में जाएंगे, रियर रिफ्लेक्टर लगा दिया, स्कैनिंग मोड, ये आप यहाँ पर चेक करेंगे, प्रॉपर आपको देखने को मिल जाता है। इंपोर्टेड वाला है, इसके अंदर आपको पार्किंग इंडिकेटर और ब्रेक का जो फीचर है वो मिल जाता है। बिल्कुल भैया, तीनों मोड मिल जाएंगे, इसकी कॉस्टिंग 1200 रुपए आती है भैया। ठीक है। साथ में रियर स्किड प्लेट आपने देख ही लिया होगा, आगे पीछे दोनों 1600 रुपए का पार्ट अपना, ये आप यहाँ पर चेक करोगे। फ्रंट दिखा दिया था, रियर भी आप चेक कर लीजिए, दोनों रहने वाला है। साथ में कैमरे की प्लेसमेंट लगा दी भैया, ओईएम तरीके, ओईएम जगह पे ब्लॉफंगा 4.4 एचडी कैमरा। ठीक है जी। ये स्टीयरिंग वापस कर दिया, आर्म्स जो भी निकला सब भैया को वापस दे दिया, मतलब मैक्सिमम जो काम था वो सब कंप्लीट गाड़ी का हो चुका है। गाड़ी के अंदर आएंगे तो अंदर की तरफ मूव करते हैं, तो अंदर क्या कुछ रहने वाला है? सबसे पहले गाड़ी में हुई है डैम्पिंग, 8 सीट की हाइपरसोनिक की मॉन्स्टर सीरीज अपनी, ठीक है, डबल लेयर। साथ में 7 पीस का डैशबोर्ड किट लगा दिया, जनरल मारुति का पार्ट, ये आप यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट जो है इसके डोर पैनल्स के ऊपर चेक कर सकते हैं। 2 पीस आपको डैशबोर्ड के ऊपर, छोटा वाला पीस, ये अपना बड़ा वाला पीस, और फिर उसी के साथ आपको नागिन देखने को मिल जाता है, 7 पीसेस, और ये जेडएक्सआई वाला जो है वो लगाया गया है। ओईएम पार्ट रहेगा भैया, 2400 रुपए की कॉस्टिंग है 7 पीस की। अगर किसी भाई को ओईएम चाहिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है, इसके ऊपर जाएंगे हाइड्रोडी वाला आता है, उसके ऊपर फिर एक एक्सेसरीज वाला पार्ट आ जाता है जो कि आप लोगों को लगभग वीडियोस में देखने को मिल जाता है। इन्हें हैंडल लगा दिए 4500 रुपए के अंदर, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जेन्युइन पार्ट रहने वाला, मारुति जेन्युइन पार्ट रहेगा बिल्कुल। सीट को लगा दिए फुल बकेट वाले, लाइफ टाइम गारंटी, थाई सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपना जो है ऑफ वाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो पैटर्न जो है वो परफोरेटेड फिनिश के साथ आपको दिया गया है, विद एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थाई सपोर्ट बना दिया, कपड़े की बात करेंगे इंपोर्टेड लेदर रहता है,
लाइफ टाइम गारंटी रहेगी सीट कवर की, जब तक गाड़ी जब तक हमारा ठीक है। बाकी कलर ऑप्शन जैसा कुछ है वैसा मिल जाएगा। तो बहुत सी वैरायटीज हैं, बहुत सी रेंज है, तो आपकी जो उनसे रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से लगवा सकते हैं। रियल में भैया हेडरेस्ट इंस्टॉल कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री भी है क्योंकि 1 लाख के प्लस पे बिल भी कॉम्प्लीमेंट्री था, ये आपको पता ही है। आर्मरेस्ट भी आप यहाँ पे चेक करोगे, जेन्युइन रहने वाला है मारुति का। इसमें आपको स्लाइडिंग का जो फीचर है वो मिल जाएगा, नीचे की तरफ अपना स्पेस जो है वो रहेगा। 2400 रुपए की कॉस्टिंग होगी भैया। फ्रंट व्हील भी 1200 की मारुति जेन्युइन पार्ट, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रियर व्हील भी 1500 की मारुति जेन्युइन पार्ट, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही रहने वाली है। स्टीयरिंग चेंज कर देते जेड एक्स आई वाला, इसकी कॉस्टिंग 2000 रुपये आती है विद हब विद स्टीयरिंग। जो पेडल शिफ्टर्स वाला है वो लगाया गया है, जिसमें अपना ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स प्रॉपर वर्किंग रहेंगे, क्रूज कंट्रोल वर्क नहीं करता, जैसे कि हम लोग आप लोगों को बताते ही हैं। और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जिस तरीके के सीट कवर्स है सेम उस तरीके का रैप का काम जो है वो भी किया जा चुका है, आप चेकआउट कर सकते हो। मून डिजाइन के साथ जो है कंप्लीट अपना सेटअप रहने वाला है। स्टीयरिंग चेंज कर दिया भैया, स्टीयरिंग पे कवर लगा दिया, साथ में सनग्लास होल्डर लगा दिया भैया की गाड़ी में। ये आप यहाँ पर चेक, गेट खोलेंगे लाइट जल जाएगा, गेट बंद पे लाइट बंद हो जाएगी अपनी, तो प्रॉपर वर्किंग जो है वो आपको ये मिलने वाला है। तो गेट बंद कर दिया लाइट बंद हो गई भैया, गेट खोल दिया लाइट जल जाएगी, प्रॉपर सनग्लास होल्डर रहेगा। मारुति जेन्युइन पार्ट होता है, 3300 की कॉस्ट होगी विद इंस्टॉलेशन, कंप्लीट सेटअप लगा कर। हाँ जी, और यहाँ पे आप चेक करोगे कोई गैप वगैरह जो है बिल्कुल भी आपको फील नहीं होने वाला, अच्छे तरीके से जो है इसको इंस्टॉल कर दिया गया। इसमें एलईडी बल्ब लगा दिया भैया का, इसको विदाउट एनी चार्ज लगाया भैया, पीछे भी एलईडी कर दिया, इसकी कोई चार्ज नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। तो कॉम्बिनेशन के साथ जो है प्रॉपर अपना रहने वाला है, दोनों ही चीजें अपनी जो है कंबाइन कर दी गई हैं। जी, साथ में ऑडियो की बात करेंगे, ऑडियो हमने लगाया इसके अंदर ब्लोपंगा सीरीज 900 जो कि 2 GB रैम 32 GB के साथ आता है। ये मतलब इसमें मतलब कारप्ले और दोनों सेम रहता है भैया, खाली इसमें 2 32 होगा वो 4 32 होता है, प्लस ये 360 कंपेटेबल नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपने जो है वो बेसिक में जाना है लेकिन कारप्ले चाहिए तो आप इस तरफ जा सकते हो, अगर 360 चाहिए तो आप फिर उसमें लाउड जल पर जा सकते हो। ऑप्शन आपके पास सारे कुछ सारे मिल जाएंगे। देख सकते हो किस तरीके का रहेगा। इसकी वारंटी 2 साल, कंपनी से 2 साल सेम रहने वाली है। साथ में कैमरा भी ब्लोपंगा लगाया था, 4.4 HD कैमरा। तो कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आ रहा है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वाइड एंगल विजन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो प्रॉपर क्लियर विजिबिलिटी जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा काम होता गाड़ी के अंदर। साथ में एक फ्लोरिंग हुई थी भैया क्रोकोडाइल वाली, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो कि अपनी क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ डाई वाली फ्लोरिंग जो है वो अपनी रहने वाली है, और मैट शायद भैया ने कंपनी से ले रखे थे तो ये उसको यहाँ पे रीइंस्टॉल यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये रहेगा अपना एक वेलकम पिन लगा दिया आफ्टर मार्केट वाला, तो ब्रेजर की प्रॉपर बैजिंग जो है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाने वाली है। स्पीकर कौन सा लगाया बेटा भाई? स्पीकर आगे लगा JBL कॉम्पोनेंट, पीछे लगा JBL कोएक्सियल, एक अच्छा सेटअप किया गया, भैया को फैमिली चाहिए तो वही लगा के दिया है। ठीक है जी, अगर बात करेंगे तो आधे से ज्यादा पार्ट भी इसमें जेन्युइन ही है, मैक्सिमम फ्रंट से अलॉय जेन्युइन है, जो भी क्रोम एसेसरीज जेन्युइन थी, अंदर से इनर हैंडल, डैशबोर्ड किट, स्टीयरिंग, आर्मरेस्ट, फ्रंट USB, रियर USB, हेडरेस्ट, सनग्लास होल्डर, वैनिटी मिरर चाहिए वो भी मिल जाएगा, 650 की कॉस्ट में हमने दूसरी गाड़ी में लगाया है, यहाँ पे जो है वो अपना आ जाएगा बिल्कुल। जो ब्रांड में जो ऑडियो पे गया भैया, ब्रांड पे गए जैसे ब्लोपंग, स्पीकर JBL, जो भैया ने मांगा वो दे दिया, उनको जो ब्रांड में चाहिए वो ब्रांड दिया है। ठीक है जी, तो ये सब काम जो है वो रहने वाला है इस वाली कार में। अब मिलते हैं बात कार के ओनर से। तो बिट्टू भाई ने कार की सभी एक्सेस हमें दिखा दिए, मिलते हैं बात कार के ओनर से, जानते सर का कैसा फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा सोहन लाल। सोहन जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं जयपुर से। जयपुर से, तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ से यूट्यूब पे एक चैनल देखा था, वाहन मॉडिफिकेशन, उसी को सर्च किया, काफ़ी चैनल देखे, बट ये इसमें जेन्युइन चीज़ें लगी और भैया का बिहेव शानदार ही लगा, पोलाइट हैं और जैसा व्यवहार था वह उससे भी ज़्यादा अच्छा यहाँ आके हमने ऑब्जर्व किया है। तो जो आपने वीडियोज़ में देखा था उससे अच्छा यहाँ पे आपको जो है वो मिला? जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी, लाइक जो भी छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई हैं? सभी चीज़ें मिली हैं। फिट फिनिश की बात की जाए कैसा लगा काम आपको? बहुत शानदार। कहीं कुछ कमी फील हुई? नहीं भैया। स्टाफ बिहेवियर की बात करें, लड़के जो भी काम कर रहे थे वो कैसे मतलब प्रोफेशनल लगे? सभी बंदे पोलाइट थे, अच्छा था स्टाफ, मतलब ओवरऑल आप सेटिस्फाइड होकर के जा रहे हैं। अगर मैं नंबर पूछूं आपसे 10 में से नंबर आपको देना हो, कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से 11 दे दो। 11 नंबर, मतलब के कंप्लीट सेटिस्फाइड हैं आप। एक बजट बताइए सर, किस बजट में गाड़ी का काम हो गया अपना? अभी बिल बना नहीं है पर 1 के लगभग हुआ है। 1 के लगभग? हाँ। तो जो भी बिल बन रहा है अभी, हाँ, मतलब बनेगा 1 के आसपास? हाँ। का जो भी प्लस माइनस हो? हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं कि वीडियो में कुछ और दिखा दे? नहीं नहीं भैया, जो वीडियो में दिखाते हैं उससे भी अच्छा है। उससे भी अच्छा, मतलब बेटरमेंट, हाँ, जो है वो आपको मिल जाती, हाँ, है। किसी को रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड आप करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आओ यहाँ पे, आपके चैनल के थ्रू आओ, और अच्छा है, आप अच्छी हेल्प कर रहे हो। मैं तो जयपुर से आया हूँ, जयपुर भी बहुत सारे लोग हैं, बट यहाँ का देखा बिहेव देखा, चैनल भी मैंने 8-7 वीडियो देखे आपके, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई, तो मैं आया। मतलब जो आपने डिसीजन लिया वो आपको वर्थ मिला है? हाँ बिल्कुल वर्थ। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है, और आप वीडियो देखकर के यहाँ तक आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।